हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जरा हट के हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इसमें जबरदस्त टिप्स और जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज ऐसा ही एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इन 5 वजहों से होते हैं पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े। अक्सर घर में पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है। घर में सब कुछ होने के बाद भी परेशानी पीछा नहीं छोड़ती और मन हर समय उदास सा रहता है। यदि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वास्तु दोष के नजरिए से आपके घर में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। वास्तु दोष के अनुसार घर में ततैया का छत्ता या फिर मकड़ी के जाले को शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में धन का रास्ता तो रुकता ही है, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। घर में कभी भी टूटा हुआ आईना, टूटे हुए कांच के बर्तन या फिर टूटी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, इसके साथ ही आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। घर में दीवारों पर दरारें नहीं होनी चाहिए और ना ही नल से पानी टपकना चाहिए, इससे हमेशा धन की हानि होती है। वैसे तो भगवान को फूल चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी घर के मंदिर में बासी फूलों को ना रखें। तो दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पति पत्नी के बीच कभी भी झगड़े नहीं होंगे और आपको कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।